डुमराव 6 तारीख से होने वाले इंटर की परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन इस साल पूरी तरह से चौकस दिख रही है। परीक्षा में प्रदर्शित लाने के लिए संवेदनशील जगहों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। एग्जामिनेशन भवन में छात्र और छात्राएं परीक्षा देंगे। उल्लेखनीय है कि जिले में मुख्य रूप से 4 मॉडल एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें बक्सर के SS गर्ल्स स्कूल, सेंट मैरी स्कूल तथा डुमराव में राज हाई स्कूल और CPSS प्लस 2 हाई स्कूल को, जिसमें 396 बच्चियों का सिटिंग व्यवस्था की गई है ताकि एक परिंदा भी पांव न मार सके। किसी तरह का चूक ना हो, इसके लिए स्कूल प्रबंधक और जिला प्रशासन बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। मॉडल स्कूल होने के नाते स्कूल परिसर को रंग बिरंगे फूल गुब्बारों से दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। मॉनिटरिंग और विधि व्यवस्था को लेकर परीक्षा से पूर्व सभी पर्यवेक्षिका व संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण भी दिया गया, जिनकी ड्यूटी परीक्षा हॉल में मिली है। कि कोई भी एक परिंदा भी पर ना मार सके किसी सेंटर पर, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों की भी, जो वीक्षक हैं, उनकी भी जवाबदेही इस बार एकदम तय कर दी गई है। वो अपनी जवाबदेही से कोई बच नहीं सकती है। शुरू में गेट पर वहां पुलिस महिला रहेगी, उनके साथ फिक्सिंग वाली जो है महिला वहां सहयोग करके वहां चेक कर लेंगी। इवन कोई जूता और मोजा भी कोई बच्ची पहन करके यहाँ नया केंद्र पर। मैं पहली बार सेंटर सुपरिटेंडेंट बना हूँ और पहली बार ही मुझे जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रदीप बाबू इतना सहयोग किए हमको, और उन्होंने मुझे बताया कि आपका विद्यालय जो है वो मॉडल सेंटर बनाया गया है, आपका केंद्र मॉडल सेंटर के रूप में रहेगा और आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि आप का भी गौरव गौरवान्वित हो और हम लोग भी बड़ी खुशी के साथ, बड़े गौरव के साथ बिहार बोर्ड तक ये सूचना पहुंचा सकें। एक अहम सवाल है सर, कि परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है यहाँ पर? CCTV कैमरा वगैरह से किस तरह से लैस किया गया है? हाँ, व्यवस्था में हम लोग वहाँ जो चहारदीवारी की गई है पहले SDO साहब की तरफ से, SDO साहब के वो मार्केटिंग के अंदर कोई भी परीक्षार्थी तभी आएगा जब उसका वहाँ पर सर फिक्सिंग कर लिया जाएगा। फिक्सिंग के लिए यहाँ जो है महिला पुलिस पदाधिकारी, उसके साथ साथ उनके सहयोगी, हमारे यहाँ से जो फिक्सिंग में महिलाएं हैं हम उनको वहाँ रखेंगे। वो लोग वहाँ पहले चेक करेंगी, उसके बाद फिर हमने यहाँ हिदायत दी है कि यहाँ अंदर गेट के पास आने के बाद यहाँ भी एक बार फिर कर लिया जाए। कमरा में फिर पहुंचने के बाद कमरा में भी हमने बताया है शिक्षकों को कि आप पुनः एक बार ये इत्मीनान हो लें कि किसी भी बच्ची के पास कोई भी चीट पुर्जा नहीं है, और इसका एक प्रमाण पत्र भी हमने कहा है भरने के लिए, सब लोग इसका एक प्रमाण पत्र भी लिख करके देंगी कि हमारे कक्ष में कहीं भी चीट पुर्जा कहीं नहीं है। और इसके लिए नज़र रखने के लिए ये सारी व्यवस्थाएँ हम लोग वास्तव में सही रूप से चला रहे हैं या केवल ऊपर से केवल बयानबाजी हो रही है, इसके लिए हमने CCTV कैमरे की भी व्यवस्था यहाँ कराई है, सरकार से आग्रह करके, सरकार की तरफ से ही अदब की है। और हम बहुत खुश हुए कि हम लोग जो कर रहे हैं कथनी और करनी में कहाँ तक दोनों में संबंध है। मैं भरसक अपने स्तर से ये चाहूँगा कि मेरे विद्यालय का नाम रोशन हो। वैसे भी मेरे विद्यालय का नाम पहले से भी कुछ आगे है, जिला में भी हमारे विद्यालय में यहाँ प्रथम स्थान पा चुका है एक विद्यालय, इस मॉडल सेंटर के रूप में भी आगे बढ़े मैं ऐसी कामना करता हूं, मैं ये ऐसी इच्छा है। शुक्रिया सर।